नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा देश विभिन्नताओं का देश, हमारा देश विभिन्न संस्कृति का देश, हमारा देश विभिन्न भाषाओं का देश, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश। धर्मनिरपेक्ष ऐसे मैंने कहा क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर सभी धर्मों को बराबर बराबर अधिकार और बराबर बराबर सम्मान प्राप्त है। और निश्चित रूप से जो धर्म के अनुयायी हैं सम्मान देते भी हैं, और जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी अपने धर्म को अलग छोड़कर अपने धर्म को सम्मान देते ही देते हैं, साथ ही साथ और अन्य लोगों धर्म के लोगों को भी सम्मान देते हैं, और अन्य धर्म के लोगों के प्रति उनकी आस्था भी रहती है, भगवान के प्रति आस्था भी रहती है। और निश्चित रूप से ये जो संस्कृति है ये भारतीय संस्कृति है और होना भी चाहिए। सभी धर्मों का बराबर सम्मान, सभी धर्मों के देवताओं का बराबर सम्मान और सभी धर्मों के लोगों के प्रति समान व्यवस्था और विचार। पर इसके अलावा तमाम तरह की चीज़ें हमारे देश में चलती रहती है, पूजा पाठ भी चलता रहता है, दुआएं भी होती है, नमाज भी होती है, और जो अलग अलग धर्म हैं उन धर्मों के तहत जो धार्मिक जो एक विचारधारा रहती है, धार्मिक जो क्रियाकलाप होता है वो समय समय पर होता रहता है। पर जब संकट जब आता है, जब समस्या जब आती है, जब धार्मिक क्रियाकलाप पर कटाक्ष होते हैं, धार्मिक ग्रंथों पर कटाक्ष होते हैं, यानी हमारे देश के राजनेता मुद्दों को छोड़कर, हमारे देश के बुद्धिजीवी लोग मुद्दों को छोड़कर जो देश के प्रमुख मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, यही मुद्दे होते हैं और आम आदमी की जरूरत यही होती है, इन मुद्दों को छोड़कर राजनीति करते हैं धर्म पर। धर्म पर राजनीति कैसे, और वो हमारे देश की आज नहीं है, हाँ लंबे समय से देखते चले आ रहा है कि राम मंदिर बाबरी, अब ज्ञानवापी मस्जिद, उसके बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह, इस पर भी लगातार चर्चाओं का दौर जारी है और फिलहाल सभी मामले अदालत में चल रहे हैं। खैर मामले हैं, अदालत के माध्यम से उनका निपटारा भी हो जाएगा, जैसा कि राम मंदिर और बाबरी विवाद जो हुआ था उसका सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास शुरू किया। खैर मंदिर बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है 1 जनवरी 2024 को मंदिर के आप दर्शन कर सकेंगे। पर यह मुद्दा मंदिर का नहीं है, यह मुद्दा है कि जब कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप होता है या धार्मिक व्यवस्थाएं होती हैं या पूजा पाठ होता है या किसी की समस्या का निराकरण होता है, तो सबसे पहले जो पेट में दर्द होता है और दिमाग में दर्द होता है, हृदय में दर्द होता है, वो होता है बुद्धिजीवियों को, और दर्द होता है हमारे यहाँ के नेताओं को। भाई क्यों होता है? अभी हाल में हमने देखा जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिए, उसके पहले चंद्रशेखर जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री, उन्होंने बयान दिए और तमाम तरह के बयान चलते रहते हैं। कभी राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी जाती है जैसे सलमान खुर्शीद ने की थी, तो कभी स्वामी प्रसाद मौर्य आपको रामचरण मानस की तमाम चौपाइयों में निम्न वर्ग के लोगों का अपमान नजर आता है, तो कहीं चंद्रशेखर जो बिहार शिक्षा मंत्री वो कहते हैं कि रामचरण मानस और मनुस्मृति नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। भाई आपको ये अधिकार भारतीय संविधान ने नहीं दिए हैं कि आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ पर कोई कटाक्ष करें, और इसका खामियाजा और इसकी एक पुनरावृत्ति और इसकी एक परिणाम हम देख चुके हैं कि हाल में नुपुर शर्मा का जब बयान आया था उसके बाद किस तरह की देश में एक अलग तरह की लहर चल रही थी। हालांकि कुछ गलत नहीं हुआ पर उसके बावजूद लोगों ने अपने विरोध दिखाया था, और विरोध केवल देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर IOC यानी कतर जैसी कंट्रियों ने ये विरोध दिखाया था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से घटनाएं हुई, नुपुर शर्मा का बयान आया और उसके बाद जो राजनीति गर्म हुई वो सबके सामने है, किसी को ऐसा नहीं है कि किसी को जानकारी नहीं हो, और क्या क्या नहीं हुआ सबको पता है। पर इसके साथ ही अभी जो मामला एक और चल रहा है वो चल रहा है बागेश्वर धाम का, जहाँ पर वहाँ के जो महाराज हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनके ऊपर लगातार प्रमाण देने की बात कही जा रही है। तमाम तरह के मामले चल रहे हैं और ये कहा जा रहा है, तमाम तरह के लोग उनको चुनौती दे रहे हैं कि आप चुनौती दिखाइए, पर अगर धार्मिक क्रियाकलाप है तो उस पर कोई प्रमाण क्यों? भाई अगर कोई किसी धर्म की किसी व्यवस्था की कोई किसी का निस्तारण कर रहा है, समस्या समाधान कर रहा है, उसको राहत दे रहा है, तो उस पर प्रमाण की जरूरत क्या है? और निश्चित रूप से फिलहाल ये मुद्दे हमारे देश में नहीं होने चाहिए, मुद्दे होने चाहिए रोटी कपड़ा और मकान। तो फिलहाल कुछ बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो कार्रवाई होनी है वो होगी, वो अभी इसमें सरकार का हस्तक्षेप का विषय नहीं है, तो राजनीतिक दल के नाते जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते देश प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, इस नाते हम लोग स्पष्ट तौर से इसमें श्री अखिलेश यादव जी स्पष्ट करें कि वो इस बयान के समर्थन में है या विरोध में है। जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था वह गलत कहा था कि यह जो
उनके नेता कह रहे हैं, इनके भोपू कह रहे हैं, वह सही कह रहे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो कहा है, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं उनका समर्थन करता हूँ। जिस प्रकार से जो बलपूर्वक जिनका धर्मांतरण किया गया, जिनका जिनको लालच देख के ईसाई मिशनरियों ने धर्मांतरण कराया, उनको घर की वापसी कराने की जो बात उन्होंने उठाई है, वही मुद्दा अखिल भारत हिंदू महासभा उस पर काम करती चली आ रही है। तो ऐसे मुद्दे जो तमाम हैं, इन मुद्दों पर हमारा समर्थन बाबा जी के साथ है। सही, हमारे साथ मेहमान जोड़ी को आप रूबरू करा दूँ, राम निवास यादव भारतीय जनता पार्टी पर पक्ष रखेंगे, सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा से भुवन भास्कर जोशी भाई अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता हिंदू महासभा के रूप में महादेव बाबा अपना पक्ष रखेंगे, गजेंद्र त्रिपाठी भाई राजनीति विशेषज्ञ पर पक्ष रखेंगे, आमिर साबरी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल मेरा राम निवास यादव से रहेगा। राम निवास भाई, क्या लहर चल रही है देश में? केवल सनातन धर्म पर निशाना बनाया जा रहा है, कभी इस निशाने पर धीरेन्द्र शास्त्री आ जाते हैं बागेश्वर धाम के, तो कभी यहाँ पर रामचरण मानस आ जाती है। क्या देश में केवल इसी तरह का माहौल चलता रहेगा? और क्या जरूरत है इस तरह के बयानबाजी की, क्या जरूरत है इस तरह की बातों की? अगर धर्म चला रहे धर्म चलाएं, और अगर निराकरण करते रहे, कोई मनाही नहीं है, पर जो बयान आते हैं कहीं ना कहीं ये हमारे देश की जो संस्कृति है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी गौरव जी, निश्चित रूप से इस तरह के बयान जो धर्माचार्यों के खिलाफ और किसी धर्म के खिलाफ या किसी जाति के खिलाफ आते हैं, उससे वैमनस्यता फैलती है। लेकिन आपने देखा होगा जिस प्रकार से हिंदू धर्म पर टिप्पणियां करने की एक होड़ लग गई है जी, राजनीति में चर्चा में बने रहने के लिए जी, और राजनीति में एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए। अच्छा, तो ये निश्चित रूप से बहुत गलत है और सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। कई जैसे हिंदू समाज के लोग अपने धर्म के प्रति जी बढ़ाने काम करते हैं, उसके लिए पूजा पाठ करते हैं, वैसे मुस्लिम समाज भी अपनी जगह जगह पूजा पाठ करता है, कहीं किसी पर रोक नहीं। लेकिन किसी धर्म पे आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म पर दुनिया में कोई टिप्पणी कर सकता है। अच्छा, कोई फतवा जारी नहीं होगा। अच्छा, ये किसी शास्त्री पर, किसी धर्माचार्य पर टिप्पणी कोई कर सकता है। अच्छा, कोई फतवा जारी नहीं होगा जी। भगवान राम पर हो, भगवान कृष्ण पर हो, देवी देवताओं पर टिप्पणी कोई कर सकता है, कोई फतवा जारी नहीं होगा। अच्छा, लेकिन अगर मुस्लिम समाज पे एक जरा सी टिप्पणी हो जाए तो पूरी दुनिया से फतवों की श्रृंखला लग जाती है। अच्छा, ये जो भेदभाव है यही कट्टरता को बढ़ाता है। अच्छा, क्योंकि सबसे पहले अपना राष्ट्र होना चाहिए, सबसे पहले समाज होना चाहिए जी, और अगर समाज रहेगा, राष्ट्र रहेगा, तभी तो धर्म रहेंगे। अच्छा, और वैसे हिंदू धर्म पे तो धम्म मतलब इन पर आक्रमण का तो पुराना इतिहास रहा है। आपने पूरी दुनिया में देखा होगा एक भी कहीं मस्जिद गिरा के मंदिर नहीं बना होगा। अच्छा, लेकिन अगर आप पूरे दुनिया छोड़ दीजिए, अगर भारत में लाखों मंदिर ऐसे मिलेंगे जिनको तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। अच्छा, तो मेरा बहुत स्पष्ट कहना तो ये आप मामला हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं चलेगा। नहीं गौरव जी, जी मेरा बहुत स्पष्ट कहना है कि जो हो गया हो गया। अच्छा, अब नए सिरे से किसी तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, और खासकर राजनीतिक व्यक्तियों को। अच्छा, और वो ऐसे लोग टिप्पणी करते हैं जिनकी हैसियत नहीं होती है। अच्छा, जैसे आप स्वामी फात मौर्य का नाम लेते हैं, अरे एमएलसी भाई, जो हैसियत नहीं उनकी, आप ऐसी बात करेंगे? जनता ने नकार दिया। अच्छा, और ऐसे दलबदलू लोगों को जो है भाई, अगर चर्चा में बने रहना है, मीडिया में बने रहना है, कुछ उल्टे सीधे बयान दे देते हैं। जैसे आप देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता है दिग्विजय सिंह जी, भाई मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, बड़े नेता रहे, लेकिन वो भी तमाम टिप्पणी करते रहते हैं। ऐसे एक फैशन चल गया है। अच्छा, राजनीति में, मीडिया में चर्चा बने रहने के लिए। अच्छा, इसीलिए इस प्रकार टिप्पणियां होती है। और मेरा मानना है कि इस प्रकार की टिप्पणियां सभी धर्मों के लिए नुकसानदायक है, नहीं करनी चाहिए। जो भी धर्म आचार्य हैं, जो भी मौलाना है, जो भी मौलवी है, जिनका अपना अपना काम करते रहने देना चाहिए। अच्छा, उसमें हम सब राजनीतिक व्यक्तियों को नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये पढ़ना दुर्भाग्य है, और मैं ऐसे लोगों की आलोचना करता हूँ जी, और निंदा करता हूँ। कम से कम धार्मिक पुस्तकों के बारे में, धार्मिक मंदिरों के बारे में जी, धार्मिक मस्जिदों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता सपा, जोशी जी क्या देखते हैं इस तरह की जो बयानबाजी आ रही है? मैं स्वयं प्रसाद मौर्य की बात नहीं करूंगा, उनके बयान पर आपकी पार्टी पल्ला पहले ही झाड़ चुकी है। मैं चंद्रशेखर की बात भी नहीं करूंगा, पर यहाँ पर जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के महाराज हैं, उनके ऊपर लगातार महाराष्ट्र गए थे, उनके ऊपर तमाम तरह की चर्चाएं की जा रही है, कहा जा रहा हो ये मामला समय बड़ा
चर्चा बना हुआ है, ये जरूरत क्या है? धर्म पर प्रमाण क्यों मांगे जाते हैं और समाजवादी पार्टी क्या रुख है इस मुद्दे को लेकर? गौरव भाई, आज का जो बहस का मुद्दा मुझे आपके द्वारा बताया गया था कि मुद्दों पर राजनीति कब, केवल धर्म पर क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, वो वही मुद्दा है इसमें। मैं आज इसी मुद्दे पर रहना चाहूंगा। जी बोलिए बोलिए। मैं इतना कहना चाहता हूं, जो समाजवादी पार्टी के भजवाक है माननीय अखिलेश यादव जी, जी उत्तर प्रदेश के नहीं देश की राजनीति में वो सेकुलर फॉर्म में रहते हैं जी। वो सभी धर्मों का आदर करते हैं जी, सभी जाति सभी वर्ग का आदर करते हैं जी। निजी कोई नेता या कार्यकर्ता, आपने देखा होगा मैं बहुत सारी डिबेट आपके चैनल में कर चुका हूँ, अन्य किसी नेता और कार्यकर्ता की बात का मैं कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी की जो गाइडलाइन होती है वही हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आदेश और अध्यादेश हो जाता है जी। और उन्होंने जो रस्ते पे चलने का काम हमें सिखाया है, हम जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को, वो सेकुलर फॉर्म में रहते हैं, सभी धर्म सभी जाति वर्गों को लेके चलते हैं जी, और उनका सभी का सम्मान करने का काम करते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी के भी देश इसी गंभीरता से देखता है और उनको लेके गंभीर रहता है इन मुद्दों पर। माननीय अखिलेश यादव जी के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि माननीय अखिलेश यादव जी सेकुलर फॉर्म में रहते जी। तो मैं आज की बहस के लिए केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने जो रास्ता हमें दिखाया है, समाजवाद का जो रास्ता दिखाया, हमारे ध्वजवाहक है, तो निश्चित तौर पे हम लोग उन्हीं के पदचिन्हों पर चलने का काम करते हैं। भुवन जी, मेरा कहना यह है कि जो धर्म को लेकर टिप्पणी होती रहती है, नेता जो हमारे देश के जनता के प्रतिनिधि है, जिनको जनता जनार्दन बैठाती है कुर्सी पर, क्या उनके लिए केवल धर्मी मुद्दा बचा है? क्या उनके लिए जो अन्य मुद्दे हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, उस पर बातचीत नहीं करनी चाहिए, उनके लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए? आपको लगता है कि धर्म बहुत छोटा यानी बहुत ऐसा मुद्दा हो गया जिस पर बोलना बड़ा आसान हो गया है, मुद्दों को जो महत्वपूर्ण मुद्दे उनको छोड़कर? जी देखिए गौरव जी, कानून का विद्यार्थी हूं मैं, कानून के विद्यार्थी होने के कारण जो बात मेरी समझ में आती है, किस धर्म की हम पूजा करें, किसकी हम किसको हम माने, यह अधिकार हमको संविधान देता है, भारत का संविधान देता है। ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है, मैं कैसे पूजा करता हूँ, किस भगवान को मानता हूँ, ये अधिकार हमको हमारा कानून देता है, सबको अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार जी, है जी। और निश्चित तौर पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज की जो बहस आपने चलाई है उस मुद्दे पे मैं इतना कहना चाहता हूँ, भारत तभी महान बन सकता है जब सभी धर्म सभी जाति सभी वर्गों के लोगों का सम्मान हो, उनकी पूजा का केंद्र अपना अलग अलग हो, लेकिन वो सभी एक दूसरे का सम्मान करे, यही भारत का सेकुलर फॉर्म है जो पूरे विश्व में एक उदाहरण के रूप में माना जाता है। हम लोग उसी बताए माननीय अखिलेश यादव जी के उसी बताए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास करते हैं। ठीक है ठीक है। सही मोहम्मद तकी, हमारी पार्टी। शेर भाई, भाई क्या देखते हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे उन पर चर्चा नहीं होती है और केवल चर्चा बनी रहती है, केवल मौर्य का बयान चर्चा में आ जाता है, कभी चंद्रशेखर का बयान चर्चा में आ जाता है, कभी चर्चा में धीरेन्द्र शास्त्री आ जाते हैं जो कि बागेश्वर धाम के पीठेश्वर है। क्या स्थिति है, क्या जनता के मुद्दे खत्म हो गए हैं क्या जी? टूटी खाट जी, भूख न जाने बासी भात, प्यास न जाने धोबी घाट। अच्छा, जब आदमी को किसी चीज की आवश्यकता होती है तो उसके लिए सारे डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं। अच्छा, जब आदमी को चेहरे पे भूख लगती है तो ये नहीं दिखता भूख के लिए खाना देने वाला आदमी कौन है। अच्छा, जब कोई बंदा आईसीयू में होता है जी, उसको ब्लड जरूरत होती है तो ब्लड डोनर का कोई धर्म जाति नहीं देखता। अच्छा, उसको जान बचाने की चिंता होती है। अच्छा, तो ये सारी बातें जो भी हो रही हैं वो सब इस वक्त जो बकवास है, कोरी बकवास, उससे कोई लेना देना नहीं। हमने कोरोना में देखा, कोरोना की त्रासदी जब फैली थी पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, किस धर्म के दरवाजे खुले हुए थे, किस धर्म ने आके कोरोना कोविड का इलाज कर दिया, सब साइंटिफिकली हुआ, साइंस ने प्रूव किया, साइंस ने वैक्सीनेशन बनाया, साइंस ने लाके दवाएं दी और साइंटिफिक तरीके से लोगों का इलाज हुआ, जब बहुत से लोगों की जाने बची और ऑक्सीजन क्योंकि हम नहीं पहुंचा पाए लोगों तक, इसलिए बहुत से लोगों की जाने चली गई। जो देश ये सब देख चुका हो, जो कोरोना काल के दौरान त्रासदी देख चुका हो, अभी हमने डेंगू में देखा, जब डेंगू फैला था उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ के अंदर तमाम अस्पताल बहुत बिजी थे, वहां फ्लोर पे मरीज लेटे हुए थे, उनको सही से इलाज नहीं मिल रहा था, दवा नहीं मिल रही थी। बनारस से जहां से हमारे मोदी जी दो बार वहां से MP रहे, वहां पे कोरोना के दौरान पैरासिटामोल की गोली नहीं मिली। अच्छा, तो ये सब बातें जो है, ये सब बातें इसलिए हो रही है कि लोग असल मुद्दों पे जानबूझ करके बात नहीं करना चाहते। इन बातों के आड़ में जो लूट चल रही है,
जनता को लूटा जा रहा है उसको छुपाया जाता है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, मजदूर अभी एक रिपोर्ट आई थी उसमें दिखाई, मजदूर जहां बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं और परिवार को नहीं चला पा रहे। तो जब आपके लिए इंसानों के लिए दर्द नहीं है, इंसानों के लिए आप परेशान नहीं है, इन तो फिर भगवान के लिए आप क्या करेंगे? भगवान कैसे आपको मानेगा? भगवान भी कहते हैं हम तक आने का रास्ता है कि तुम इंसानों की सेवा करो, उनका सम्मान करो, उनके दुख दर्दों का निवारण करो, तब हम तक आओ। अच्छा, कौन सा ऐसा धर्म है जो ये नहीं कहता कि तुम जो है गरीबों का ख्याल न रखो, तुम पीड़ितों का ख्याल न रखो, तुम जो रोगी उनका इलाज न करो? ईसा मसीह को ईसा मसीह इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो जिसको मसा करते थे, छूते थे, उसका इलाज हो जाता था, उसकी बीमारी दूर हो जाती थी। तकी भाई, मेरा कहना है कि अगर इस तरह के बयान आते हैं, तो क्या बड़े बड़े नेता जो हमारे देश के बुद्धिजीवी नेता है, बड़े बड़े नेता है, उनको एक गाइडलाइंस या उनको एक बात नहीं कहनी चाहिए कि भाई धर्म पर विवाद मत करिए, मुद्दों की राजनीति करिए, जनता के मुद्दे उठाइए, धर्म को छोड़ दीजिए। धर्म आस्था के लिए, भक्ति के लिए, भाव के लिए है, ना कि राजनीति के लिए। आप लगता है एक प्रकार से यहाँ पर एक विचारधारा ट्रांसफर करनी चाहिए बड़े बड़े नेताओं को, बात करनी चाहिए। जी, धर्म का इसलिए स्थापित किया गया है ताकि सत्य को स्थापित किया जाए और सारे जो बीच में विवाद है उनका निवारण किया जा सके, लोगों को जोड़ा जा सके और लोगों को एक स्तर पे, एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाँ, धर्म का इस्तेमाल जो है वो ताकत के लिए, पैसे के लिए, अपने वर्चस्व के लिए किया जा रहा है, और जिसके लिए धर्म बनाया गया सत्य को स्थापित करने के लिए, उसके लिए नहीं है। आप कहीं भी किसी धर्म देख लीजिए, आप देखिए भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा, उन्होंने पूरी नारायणी सेना अपने कौरवों को सौंप दी और पांच पांडव के साथ आ गए, जो पांच पांडव के पास क्या था, कुछ नहीं था। अच्छा, उन्होंने पूरी नारायणी सेना कौरवों को दे दी और पांच पांडव के साथ सत्य के साथ खड़े हो गए। अच्छा, भगवान श्री भगवान श्री राम ने अपना राजपाट सब छोड़ दिया और जंगलों में दौड़ पड़े और उनको बहुत से लोग मिले, बाली मिला, बाली के साथ हाथ नहीं मिला, सुग्रीव के साथ ही मिलाया। बाली ने कहा था कि यार मुझसे हाथ मिलाते तो रावण को मैं बगल में दबा देता। किसको बता रहे भैया? लोग जो है धर्म से धर्म के प्रति संवेदनशील नहीं है, धर्म से सबक नहीं ले रहे हैं, लगातार निरादर कर रहे हैं और जनता का अपमान कर रहे हैं, जनता के दुख दर्दों को नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए आज की डेट में भारत की व्यवस्था लगातार नीचे चलती चली आ रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोग आत्महत्या करते चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, गौरव जी दो मिनट बोल दीजिए। गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी जो हर जगह पे किसी भी स्टेट में हो, किसी भी जगह पे हो, वो विवाद उत्पन्न करने में माहिर है। अरे ये कौन सी बात हुई यार? दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हुए, बीजेपी विवाद दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में चुनाव को डिले कर रहे हैं, वहां हंगामा क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, सारी हमारा मेजोरिटी सारे नंबर मौजूद है, वहाँ चुनाव नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जिस राज्य में बीजेपी के राज्यपाल है और बगैर बीजेपी सरकार है वहां पे सब विवाद उत्पन्न हो रहा है, संस्थानों को विवाद उत्पन्न हो रहा है, कोलोजियम जो पुरानी पद्धति थी उसको चैलेंज किया जा रहा है, हर संवैधानिक संस्था में बीजेपी एक उत्पाद मचा रही है, एक विरोधाभास उत्पन्न कर रही है। अच्छा, क्योंकि वो सलूशन नहीं देना चाहती। तो आपको कहना है बीजेपी उत्पाद मचा रही है, बीजेपी बोल क्या दिया, अभी बोलो बीजेपी। देखिए आप कहां क्या हो रहा है आज की डेट में, जिस प्रधानमंत्री ने कई सालों से कोई जब प्रधानमंत्री ने पिछले कई सालों से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, तो आप सोचिए प्रधानमंत्री कितने गंभीर देश के मुद्दों को लेके। अच्छा, ठीक है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक है भाई, हो गया बात आ गया। एक पत्रकार होते हुए गौरव जी, आपको ये दुख होना चाहिए कि उन्होंने पत्रकार को नहीं बुलाया, अक्षय कुमार को बुलाया। अपना सम्मान करते हैं, आपको इस बात का दुख होना चाहिए, आपको अफसोस ना रखना चाहिए जी कि एक प्रधानमंत्री ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हमें तो अफसोस कई बातों का है भाई, धर्म पे राजनीति हो रही है, मुद्दों पे राजनीति नहीं होती है, हमें तो अफसोस कई बातों का है। खैर, ये छोड़िए, तो वही मैं कह रहा हूं, हो गया कितना अफसोस ना हो गया। ताकि भाई हो गया, हमारे साथ प्रवक्ता हिंदू महासभा बाबा महादेव जी मौजूद है। बाबा महादेव जी, कैसे देखते हैं कि आपको लगता है धर्म आस्था, भक्ति, श्रद्धा और पूजा के लिए बना हुआ है, विश्वास के लिए बना हुआ है? कम से कम देश की राजनीति को धर्म के एंगल से नहीं देखना चाहिए। क्यों धर्म आता बार बार, क्यों धीरेन्द्र शास्त्री पर प्रश्न उठते हैं, क्यों यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कही जाती है, क्यों यहाँ पर चंद्रशेखर बयान देते हैं, मुद्दों की राजनीति क्यों नहीं होती? जी माँ आशुतोष अमरी के चरणों में प्रणाम करते हुए जी एक बात मैं कहूंगा कि दरअसल जो दिख रहा है वो होता नहीं। अच्छा, और जो होता वो दिखता नहीं। अच्छा, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जो कर रहे हैं और जो अभी श्याम मानव जी ने किया बागेश्वर धाम के खिलाफ जी, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था राजीव दीक्षित जी का,
राजीव दीक्षित जी ने खुलासा किया है कई साल पहले, और वीडियो है हमारे पास, अभी कोई चाहेगा तो मैं दे दूंगा। उसमें उन्होंने कहा कि ईसाई मिशनरियां भारत को अपने टारगेट पे की हुई हैं और ईसाईयत के रंग बिरंगना मतलब धर्म परिवर्तन के कार्य में लगी हुई। अच्छा। और यदि उस कार्य में कोई बाधा डालता है कोई संत अथवा धार्मिक गुरु या कोई पंडित पुजारी कोई भी हो धर्म से जुड़ा हुआ, तो उन्होंने यहाँ पर अपने पिट्ठू अपने फंड से कुछ मिशनरी रखे हुए हैं और वो विश्वास उल्मीनल समिति और तमाम प्रकार के नाम ऐसे श्याम मानव वही वेटिकन सिटी का पोप का एक पिट्ठू है और जब भी वो रुमाल से भूत भगाए कोई पादरी कुछ नहीं दिखेगा। अच्छा। कहीं और किसी कोई मौलाना को झाड़ फूक करें कुछ कहीं पे हो कहीं किसी मजार पे हो कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा। कहीं कोई पाखंड हो लेकिन और एक बात और है हिंदुओं में भी कोई संत अयोध्या में इतने सारे लोग हैं कोई को नहीं लेकिन वहां कहां बोलता ये अभी इस समस्या में कि जब 328 लोग जब अभी ट्रेबल एरिया में आदिवासी एरिया में जो हिंदू से ईसाई बन गए थे उनको भागवत कथा सुनाकर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने वापस घर वापसी की अपने सनातन धर्म में वापस लिया तो सबकी नींद हराम हो गई। अच्छा। सबने कहा ये बाबा तो बहुत खतरनाक है इसको कहीं कंट्रोल करो। अच्छा। इसके पीछे पड़ जाओ नहा धो के किसी भी तरह से इसको। अच्छा। हाथ धो के पीछे पड़ जाओ इसकी दुकान बंद करो इसका कुछ करो। अब उनको कुछ मिला नहीं आसाराम को इसलिए तो फंसा दिया झूठा केस की लड़की झूठा केस आसाराम हाँ बिल्कुल झूठा। अच्छा। और इसका आज तक नहीं प्रशासन सिद्ध कर पाए न चार्जशीट दायर कर पाए कि क्या तो आप धीरे शास्त्री सुन लीजिए लेकिन आप धीरे शास्त्री लड़ रहे आसाराम के लिए लड़ लीजिए लेकिन अब हम करिए विरोध एक एक मिनट यात्रा निकालिए। अब देखिए धीरे शास्त्री भाई देखिए इस देश के अंदर संविधान सबको अपनी बात कहने का सबको अपने कार्य करने का स्वतंत्रता देता है। वो अपना दरबार खोल के बैठे उन्होंने कहा हमारे गुरुजी ने हमें शक्ति दी है और कोई आएगा तो उसके हम सुनेंगे बात। किसी ने कहा मुझे ये प्रॉब्लम है तो उन्होंने उसको बता दिया। अब कोई आया उनको लगे कि भाई इसको विश्वास ना हो तो बिना पूछे भीड़ में से किसी को कहा भाई तेरा ये नाम तेरा ये पता तेरी ये समस्या तेरा ये। अच्छा मान लिया आपके अनुसार कि उनके सिखाए हुए बैठे हुए हैं हो सकता है मैं आपकी भी बात मान लूं लो जो लोग कह रहे हैं तो सिखाए हुए बैठे हुए हैं तो तुम्हें दर्द क्या भाई जिसके और लोग आएंगे क्यों लोग जो इनका ठीक हो रहा वो जुड़ेंगे क्यों वो जुड़ रहे हैं वहां कार्य कर रहे हैं। लेकिन श्याम मानव को इससे दर्द नहीं था श्याम मानव को दर्द था कि वह घर वापसी क्यों कर रहे हैं करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट करके भारत के अंदर गरीबों को चावल बांट बांट के ईसाई बनाया जा रहा है और ये बागेश्वर धाम बाबा आ गया ये नया कहानी सारी पानी फेर दे रहा करोड़ों के मेहनत पे। तो एक ये चीज है। दूसरी बात है जो ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया दरअसल क्या है स्वामी प्रसाद मौर्य आप क्या बताऊं भगोड़ा आदमी है दरबदलू यहाँ इस पार्टी से कूद के उस पार्टी में बीजेपी में आया यहाँ पे दाल गली नहीं थोड़ी कच्ची पक्की थी तो इस भागा की अरे इसको किसी ने बताया अरे मूर्ख सपा का सरकार बनना जल्दी भाग तो तुरंत लंगोट लेके भागा जल्दी अखिलेश जी हमें ले लीजिए वहां बैठ गया। अब क्या बताए वो मुड़ मुड़ाते ओले पड़े अब वहां पे सपा हार गई बीजेपी हो गई अब ये बड़ा इधर उधर तड़फड़ा रहा है अब क्या करे किसी ने बताया कि ऐसा करो कुछ हिंदू धर्म की बुराई करो तुम्हारी पब्लिसिटी हो जाएगी इसने तुरंत क्षुद्र स्वार्थों को लेकर अब तुरंत आपको लगता है कि धर्म छोड़कर कुछ मुद्दों की बात भी कर ले तो भी पब्लिसिटी हो जाएगी। तो अब एक बात और है अब हमने कहीं देखा विदेश के जो पॉलिटिशियंस है नेता है मैं देखता हूँ भारत के ही लोग मूल के लोग ऋषि सोनक जी हैं अमेरिका में हैं बहुत ऐसे लोग हैं जो भारतीय वहां से जुड़े हुए हैं खून से जुड़े हुए हैं वो लोग लेकिन वो लोग ये धर्म वर्ग में ये प्रपंच नहीं करते वो मुद्दों की बात करते हैं रोजगार जनता की सुविधा स्वास्थ्य शिक्षा इन पर लेकिन यहाँ पे ना शिक्षा पे ध्यान देंगे। मैं तो कहता हूँ अभी चाहे कोई भी हो तो एक आंदोलन शिक्षा के लिए कर लीजिए ना बिगड़ी हुई है अरे एक आंदोलन शिक्षा के लिए कर लीजिए आप लोग एक आंदोलन आप लोग शिक्षा के लिए आप लोग कर लीजिए भाई हम लोग करेंगे लेकिन पता क्या चक्कर है हाँ। बात दरअसल है कि जिसके सामने जो मुद्दा है हाँ। पहले वही नहीं निपट रहा है इतने अच्छा। सारे एक हाँ। मैं शेर बोलता हूँ जी कि नस्तर को लेके हाथ में फसाद ने कहा रंग रंग में तेरे जख्म में लगाऊं कहां कहां एक उल्लू बगाफी था बरमाने गुलिस्ता करने को अच्छा। उल्लू बैठा अंजामे गुलिस्ता क्या होगा अच्छा। कहां कहां तक समस्या हर अच्छा। जगह तो समस्या है अच्छा। हर फील्ड में समस्या है लेकिन हाँ। हर समस्या को सुलझाएं स्वामी प्रसाद मौर्य जी
जो घृणित कार्य कर रहे हैं कि उनको रामचरितमानस ही रह गया, मतलब वो चाहते हिंदू लड़े, जातिवाद में बटे, ऊंच नीच हो, जातिवाद हो, और हम अपनी मतलब वो रोटी नहीं सेंकना चाह रहे हैं, वो पूरा पूरा सेंकना चाह रहे हैं। दिनेश भाई मुझे पुट करना, तो ये चीज है, ये उनकी इच्छा मानसिकता है और इसके लिए उनको दंड मिलना चाहिए। भुवन भास्कर जी, श्रीवास्तव जी मुझे जाना पड़ेगा प्लीज। भुवन भास्कर जी सर, जी जी मैं कह रहा हूँ यहाँ मुद्दा जनता का ही रखा गया है। सुनिए मेरी बात, पहले मुझे पहले मेरा विषय ले लीजिए। जी बोलिए। मैं अगर आपने जो बहस चलाई थी उस मुद्दे से अगर आप और जो हमारे पैनलिस्ट इधर उधर जाएंगे तो उस मुद्दे पे बहस रखते तो मैं आता नहीं आता, वो मेरा विषय था। जी। अगर आपने जो विषय चलाया उससे जो भी पैनलिस्ट अभी बोल रहे थे उस मुद्दे पे मैं रह नहीं सकता। नहीं आप रहिए, आपको दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। नहीं इनको कहीं आज कोई किसी भी नेता का बयान का कोई माने जी, आपने जनता के मुद्दों की बात कर ली। अच्छा एक बात मैं पूछना चाहता हूँ भुवन भास्कर जी से, बस मैं बस एक छोटी सी बात कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान से क्या सपा पार्टी का स्टैंड क्या है? मैं तभी रह सकता हूँ, मैं पार्टी की गाइडलाइन पे चलने वाला आदमी। हाँ तो भैया तो पार्टी गाइडलाइन पे बता दो कि स्वामी भाई उन्होंने कहा था निजी बयान कितनी बार बोला रामचरितमानस का। अरे बोल तो दिया, निजी बयान है, निजी बयान बोल चुकी है पार्टी। मारे बाबा मेरे केवल इतना कहना है कि धर्म पे आपने कहा कि आसाराम स्वास्थ्य रोजगार पे चर्चा कराइए। जी मारे बाबा मेरा कहना इतना है कि धर्म जिसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है, राजनीति चल रही है, जनता के मुद्दे कौन उठाएगा? आप संत समाज से हैं कि आपको लगता है कि शिक्षा महत्वपूर्ण मुद्दा है, रोजगार महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो क्या संत समाज इसके लिए कोई जागरूकता नहीं चलाएगा? भाई साहब मैंने 5-6 मुद्दे पक्के चलाए हुए हैं। अच्छा और उसमें शिक्षा के लिए अभी तो मैं मतलब हर जगह समस्या है जी, शिक्षा में जी, 12-30A के अंदर इतना बड़ा अन्याय हो रहा हिंदुओं के साथ। अच्छा कि उसमें और अन्य मजहब के हिंदू नजर क्यों आता है? जनता बोलिए, जनता बोले हिंदू क्यों नजर आता? हाँ इसलिए उसका कारण है कि और कोई मदरसे में पढ़े, कुरान पढ़े और मतलब बाइबिल पढ़े और गुरुग्रंथ पढ़े तो किसी कोई समस्या नहीं। अच्छा। लेकिन हिंदू किसी भी अपने शैक्षणिक संस्थान में कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ा सकता तो ये कहाँ का न्याय है? कैसी इक्वालिटी सरकार के सामने? अब दूसरी बात, संत जेवियर जो कहते हैं गोवा में कितने हिंदुओं का हाथ काटा, इवन की स्पेशल उसने औजार बनाए हुए थे नारियों का मतलब शरीर के अंग काटने के लिए, बहुत ही बर्बरतापूर्ण यातना दी और आज संत कह के उसका भी आज शरीर भी अभी रखा हुआ मम्मी बनाकर। अच्छा। तो आज उसके नाम पे स्कूल हैं और खूब डट के चल रहे हैं। अच्छा। और वो इतने हिंदुओं को बेटियों को छोटे छोटे कपड़े पहना के बहुत सारी समस्या आपकी बात आगे। तो एक बात, एक 5-4 मुद्दे और जल्दी। एक तो जनसंख्या नियंत्रण, धारा 30A 1951 धर्मदान, एक गौ माता को सम्मान और हिंदू राष्ट्र, ये बहुत जरूरी मुद्दे हैं। अच्छा। इन पर भी कार्य होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षा भी होना चाहिए। ठीक है ठीक है। आमिर भाई भाई आपकी क्या सोच है, धर्म छोड़कर खुला मुद्दों की राजनीति हो जानी चाहिए, उस पर क्यों हमारे नेता सक्रिय नजर नहीं आते हैं? क्या धर्म ही एक सब्जेक्ट लगता है जिस पर आसानी से बयान दिए जाते हैं? जी धन्यवाद गौरव जी। देखिए दरअसल इधर काफी मतलब 2-3 दशकों से धर्म की राजनीति हो रही है जी, और इसी धर्म की राजनीति के चलते आज भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत में है। अच्छा स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान जो कोई नया नहीं है, इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम पे बड़ा घृणित बयान दे चुके थे जी। लेकिन उसके बाद भाजपा ने उन्हें स्वीकार किया जी। आखिर ये कौन सी बात है, हम करें सो पुण्य तुम करो सो पाप। अच्छा आप ही देखिए जैसे डिबेट शुरू हुई बात मुद्दे से अलग हटके हमारे भाजपा प्रवक्ता या नेता जो भी कह लीजिए इनको, रामनिवास यादव जी को जी, ये ज्ञान दे रहे थे कि मंदिर और मस्जिद पर आ गए जी। तो इनकी राजनीति हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पर ही अड़ी रहती है, आप वो शेखर हो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या कोई अन्य। देखिए किसी मुस्लिम ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की या श्री किशन जी की या शिव जी की कभी अपमान नहीं किया, कभी आलोचना नहीं की और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बड़ा कमजोर आदमी होता है। मेरी नजर में उससे बड़ा कोई नीच आदमी नहीं है जो दूसरे धर्म का अपमान करे। ठीक। हमारे यहाँ कुरान की एक आयत है ला लकुम दीनुकुम वली दीन, कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ है, मेरा दीन मेरे साथ है।
कुल मिलाकर के गौरव जी मसला यहीं पर आकर रुक जाता है कि जो जिसका दीन है उसको अपना स्वीकार करे, अपना चाहे जैसे करे, कोई दूसरा टिप्पणी नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा नुपुर जी, भारतीय जनता पार्टी वाले कितने साफ सुथरे बनते हैं, इससे पता चलता है कि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य पे इतनी बौखलाहट है इनकी, और ना भी चाहिए क्यों किसी के धर्म पे कोई टिप्पणी करे, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी नुपुर शर्मा पे बचाव करती नजर आ रही थी। आपको याद होगा ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, और इस तरह के नुपुर शर्मा को देखा देगी छुड़भैये नेता चिलांडू टाइप के जो गली कूचों में अपनी बस्तियों में रहते हैं, उन्होंने भी तमाम तरीके की टिप्पणियां करी, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी वाले प्रवक्ता हो चाहे नेता हो चाहे जितने बड़े सत्ता में बैठे हो मंत्री हो, किसी के मुंह में जबान उस टाइम नहीं थी जो कोई इस पर आलोचना करे या निंदा करे, नहीं की। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के ये मैदान में आ गए, तो बड़ा सवाल ये स्वामी प्रसाद मौर्य हो गौरव जी या हो नुपुर शर्मा, किसी को भी धार्मिक टिप्पणी करना नहीं चाहिए दूसरे धर्म पे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का जहां तक मामला, तो इन्होंने अपने ही धार्मिक ग्रंथ पर टिप्पणी करी है, ना कि किसी मुसलमान ने करी है। तो बड़ा सवाल गौरव जी ये है कि इनको समझना चाहिए और इससे मेरे ख्याल से बचना चाहिए। और रहा सवाल भाजपा का, तो ये जितना आपको दूध के धुले बन रहे हैं ये उतने साफ सुथरे हैं नहीं गौरव जी। अच्छा। ये तो आप भी बहुत बेहतर जानते हैं, आप भी पत्रकार हैं जी, फील्ड के माहिर हैं। और बाबा जी अभी जो ज्ञान दे रहे थे जिस तरीके से ईसाइयों के लिए मुस्लिमों के लिए, तो हमारी समझ नहीं आता ये लोग इतना ज्ञान की लाते कहां से हैं। अच्छा। कि जिस तरीके की ये लोग टिप्पणियां करते हैं। अच्छा। अब आप बताइए ये पाखंड नहीं है तो और क्या है गौरव जी? जी हम किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन चाहे मौलवी हो चाहे पादरी हो चाहे वो संत हो, लेकिन धर्म के नाम पर जो पैसा इकट्ठा करे दौलत इकट्ठा करे गौरव जी वो कदापि धार्मिक तो नहीं हो सकता है, वो पाखंडी जरूर हो सकता है। आपने कितना पैसा दिया है अन्य कोई हो, आपने कितना पैसा दिया है? अरे वो पत्रकार है भाई, उनको वो पैसा क्यों देंगे भाई? नहीं तो ये कहां से ये झूठी बातें क्यों बोल रहे हैं? इनको कह रहे हैं कि पैसा, वो तो कह रहा है धर्म की राजनीति करो ही मत। पैसा लिया? अरे वो तो कह रहा है धर्म की राजनीति करे ही मत, मुद्दों की राजनीति करिए। सपा पार्टी मुद्दों को मुद्दे उठाए, मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं? अयोध्या राम जन्म भूमि का पार्टी ने राम मंदिर के नाम पे कितने कितने घोटाले किए सामने नहीं है? चलो ठीक है ठीक है, जमीन का घोटाला हो गया, गजेंद्र पार्टी ठीक है हो गया, पहला राउंड चला। गजेंद्र भाई भाई कैसे देखते हैं? और निश्चित रूप से यहाँ पर मुद्दे इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, गरीबी मुद्दा है, स्वास्थ्य मुद्दा है, सड़क मुद्दा है, तमाम बड़े बड़े मुद्दे हैं, फिर सबसे बड़ा मुद्दा धर्म क्यों नजर आने लगा है? देखिए आज का विषय जी धीरेन्द्र शास्त्री जी, हम लोग कहाँ कहाँ चले जी, कभी भी आप इस बात को समझने का प्रयास करें जी कि इस देश में जी या सनातन व्यवस्था की बात अगर आप करते जी, तो सनातन व्यवस्था में नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह की एनर्जी की बात कही गई। जल्दी बोलिए, समझ और भगवान कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हे अर्जुन, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। अच्छा। और देवों को पूजने वाले देवों को प्राप्त होते हैं, और संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं सब कुछ मेरे अंदर देख लो। ठीक। तो हम लोगों के अंदर भी उस ईश्वरी शक्ति का ही रूप है। ठीक है। और उसके अंदर यह रूप होने के नाते यह सारी शक्तियां हमारे अंदर भी विराजमान हैं। कौन कैसे जागृत कर लेता है जी। ठीक जी। अब जिनकी बात हो रही है धीरेन्द्र शास्त्री जी कि भाई ये जादू से ये टोने से ठीक कर देते हैं, मंत्र से झाड़ देते हैं, फूंक देते हैं, नाम बता देते हैं, ये सब नेगेटिव एनर्जी है। अच्छा। और नेगेटिव एनर्जी है। अच्छा। ये हमारी गीता जैसी ग्रंथ। अच्छा। जो ब्रह्मांड की सबसे सबसे प्रमाणित ग्रंथ है और नारायण ने कहा है, बाकी मैं किसी धर्मों की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे धर्म में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा इस बात कि मैं परम ब्रह्म हूं, कोई दूसरा नहीं आया ठीक इस धरती पर जिसने कहा हो कि मैं ब्रह्म हूं। ठीक है। तो अब ये बताइए, जब उन्होंने कह दिया कि एनर्जी है, उस एनर्जी का इस्तेमाल कोई आदमी कर रहा है जी, उसको किसी को मजा आ रहा है, कोई उसको भुना रहा है। अच्छा। देखिए बताऊं, तमाम संत जेलों के अंदर है, क्यों है जी? इसलिए कि नेगेटिव एनर्जी पे काम करते हैं। अच्छा। पॉजिटिव एनर्जी में जैसे लेकर के देवराव बाबा है। अच्छा। तो राष्ट्रपति भी वहां पर पूजने जाते थे। अच्छा। पैरों की धूल लेने जाते थे देश के प्रधानमंत्री। तो आप कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री नेगेटिव एनर्जी है? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि नेगेटिव एनर्जी यहाँ है। अच्छा। और उस नेगेटिव एनर्जी का जो जैसा उपयोग करे दुरुपयोग करे वो जाने। अच्छा। कोई संत महात्मा जो
भगवान के पॉजिटिव एनर्जी के साथ है, जो ईश्वर को आत्मसाद कर लिया है, जो अपने जीवन को उस लेवल पर ला दिया है, वह कभी इस तरह की न तो झमेले में पड़ता है ना ऐसी कोई बात कहता है। ठीक, वो चुपचाप बैठा रहता है और पूरे संसार का देखता रहता है, मजा लेता रहता जीवन। ठीक है, तो जिसको राजनीत करनी है वह राजनीत करे, और जिसको धर्म पे काम करना है वो धर्म। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर दोनों हो क्या रहा है, मेरी बात सुनिए। एक से एक हो गए दोनों। गौरव जी, आज धर्म वाले राजनीत पे काम करने लगे, राजनीत वाले धर्म पे। बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत बढ़िया बात कही। दोनों का एक सेपरेट रास्ता है, और हमारा संविधान कहता है संत राजनीति के लिए है, संत राजनीत करेगा। चल तो यही रहा ना, संत यही रहा है, बना हुआ है, चल यही रहा है। संत इस समाज को एक रास्ता दिखाने के लिए बना हुआ जी, संत इस राष्ट्र को एक रास्ता दिखाने के लिए बना है जी, दर्शन है वो संत। एक देखिए हमारे यहाँ तो दार्शनिक व्यवस्था में संत को अलग ही महत्व दिया गया है। अच्छा गौरव भाई, सबसे महत्वपूर्ण विषय है ये जी। राजनीतिक लोग ये बताइए, अभी उन्होंने बात किया मौर्या जी, ये बताइए मौर्या जी रामचरित मानस में, अरे भाई एक चौपाई में 16 मात्राएं हैं, एक मात्रा लिख करके दिखा दो मौर्या जी, जी पूरा जीवन लग जाएगा तुम्हारा। अच्छा, बिहार का बैठा हुआ मंत्री, अभी उसे कहा जाए कि एक पन्ना लिख दो चौपाई 16 मात्रा के साथ, उसके कई जन्म लग जाएंगे। जी गलत विषय जा रहा है, विषय देखिए मैं गजेंद्र भाई मुद्दे पर, सही बात, राजनीतिक लोग गलत नहीं जा रहा हूं मैं आपसे बताऊं, आपसे राजनीतिक लोग अपनी राजनीति करें, रोटी कपड़ा मकान नौकरी, बबन भाई को बोलिए, काम है देश में, बबन भाई बोले, बबन भाई बोले, अपना काम छोड़ करके दूसरे हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, बबन भाई बोलिए, और कोई काम नहीं है, बबन जी बोलिए, बबन जी बोलिए, विवाद के अलावा देश में, गजेंद्र भाई, गजेंद्र भाई बोलिए, बबन जी बोलिए, केवल विवाद चाहते हैं, गजेंद्र भाई हो गया, हो गया, बबन जी बोलिए जी। गौरव जी, जिस विषय पे आपने आज चर्चा चलाई थी, मैं चाहता हूँ सभी पहले उसी पे बोले, उसी पे हम सहज भी बोले, इतना बोलना चाहते हैं जी। हमने एक राष्ट्रभक्ति की कविता सबने सुनी है, उसकी एक लाइन मुझे याद आ गई, सुना दीजिए भाई, सुन ले। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर, क्या बात है, मैं जितनी पढ़ाई कर पाया अपने जीवन में जी, वो मैं उसमें एक ही बात है, किसी का भी मजहब हो, जितने यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं, वो बैर करना नहीं सिखाता, ये बात दावेद के साथ मैं कह सकता हूँ, और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है, बहुत बड़ी बात है, सही बात है। और निश्चित तौर पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी के हम सिपाही है, माननीय अखिलेश यादव जी सर्वधर्म सर्व जाति सर्व वर्ग को जीने का काम करते हैं, और हमें अपने अनुयायियों को अपने फॉलोअर्स को यही रास्ते पे चलाने का काम करते हैं, हम इसी को जीने का काम करते हैं, मुझे इधर उधर की कोई बात नहीं करनी। और निश्चित तौर पे जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार युवा किसान मजदूर ये लोग हैं जो परेशान है, इसी के लिए सरकार है, परेशान है लोग, तो इन पर चर्चा होनी चाहिए। यही आपने जो आपको साधुवाद आपने बहस जो चलाई थी आज, वो इन्हीं मुद्दों पे चलाई थी, और इन्हीं मुद्दों पे हम लोग पैनलिस्ट रहे, किसने क्या कहा वो विषय कोई है ही नहीं। आज तो ये है कि इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही, इस पर अगर हम ट्रैक पे चलते तो बहस हमारी सार्थक भी होगी, और आपने जो इतना बड़ा एक मैं कहना चाहता हूँ आयोजन करा और एक सबको बुलाया, ये बहुत अच्छी भावना से आपने बुलाया, लेकिन ट्रैक गलत चले जाता है तो सभी को दिक्कत होती है। मुझे जो मुद्दा दिया गया मैं उसी मुद्दे पे आपसे बिल्कुल बिल्कुल। रामनिवास भाई, भाई यहाँ पर जिस तरह से चर्चा हो रही है, मैं भी हूँ अभी लेता भाई, रामनिवास भाई जिससे चर्चा हो रही है, चर्चा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चर्चा बिना कोई परिणाम नहीं निकलेगा। धर्म बड़ा आसान मुद्दा हो चुका है, महादेव बाबा भी बताए, गजेंद्र भाई भी बताए कि जो संत हैं उनको राजनीति नहीं, उनको पूजा करनी चाहिए, भक्ति के लिए बैठे हुए हैं, और जो वास्तव में राजनेता है उनको राजनीति करनी चाहिए। पर स्थिति दूसरी, धर्म बड़ा आसान मुद्दा बन चुका है, और वास्तव में जो मुद्दों की राजनीति है वो हमारे देश में भटक चुकी है, मुद्दों की बात यहाँ नहीं होती है, ना चर्चा होती है, और ना ही समाधान की बात कही जाती है जी। नहीं गौरव जी, आपने देखा पूरी चर्चा में जी किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र, आम आदमी पार्टी के, और जो कथा कथित आमिर वरिष्ठ पत्रकार बन अरे तथा कर क्यों बोल रहे आप, कथा कथित जिस प्रकार से उन्होंने जनता पर टिप्पणी, नहीं साबरी जी परेशान होइए, स्वामी प्रसाद मौर्य की आलोचना नहीं किया, ये नहीं कहा कि गलत किया उन्होंने, उसमें भारतीय जनता पार्टी को लपेट ले रहे हैं, जैसे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य से कि वो टिप्पणी करे। आप पत्रकार हैं, पत्रकार का भी एक धर्म होता है सही बात रखने का, आप पत्रकार होके अपने आप को अगर स्वयं भद मौर्य ने गलत किया है तो बोले गलत उन्होंने कहा है, लेकिन अब उसमें भारतीय जनता पार्टी को लपेटेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा
साबरी जी, साबरी जी की आप साबरी जी की बौखलाहट ही बताती है कितना आपको परेशानी भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा नहीं, साबरी जी की बौखलाहट ही बताती है कि कितना भाई उनको आप कथा करने क्यों बोल रहे हैं, से परेशान है। मैंने कहा ना कि एक भी टिप्पणी नहीं बोला इन्होंने कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने गलत कहा। अच्छा उन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अच्छा नूपुर शर्मा ने गलत किया उस पर पार्टी ने कार्रवाई की, उनको पार्टी से बाहर निकाला। कहा उन्होंने कहा है क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी को पार्टी निकालेंगे समाजवादी पार्टी? कहा नहीं, उनको तो दो दिन बैठाल घुमाएंगे क्योंकि उसने एक वर्ग विशेष का व्यक्ति खुश हो रहे हैं, अच्छा उनका वोट बैंक खुश हो रहा है, इसलिए उनको गोदनी बैठाल घुमाएंगे। अगर हिम्मत हो समाजवादी पार्टी में, पत्रकार को आप कथा करने पता है क्या बोल रहे भाई? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सही कहा है तो उनके पक्ष में बोले ना। किसी पत्रकार को आप कथा करने क्यों बोल रहे? नहीं कथा कथित इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई पत्रकार ऐसे नहीं होता, निष्पक्ष उसको होना चाहिए, उसको निष्पक्ष होना चाहिए। अगर पत्रकार अच्छा पक्षपात करेगा तो कैसा है पत्रकार? अच्छा भाई लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अगर वही पक्षपात करता है तो कैसा इंसाफ करेगा? इसलिए आमिर साबरी जी कथा कथित पत्रकार हैं। अच्छा मैं दावे साथ कहता हूँ। नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी कौन है? निकाल दिया। अगर सपा के अंदर भी वही बात है तो स्वामी प्रसाद मौर्य को बर्खास्त करके दिखाएं। अच्छा बीजेपी की बात करते हैं, उसने अपने पार्टी के नूपुर शर्मा को बर्खास्त कर दिया 6 साल के लिए। अच्छा क्या हददम है सपा पार्टी में? अच्छा कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य काश मुद्दों के लिए इतना उग्र होते, काश मुद्दों के लिए इतना उग्र हो जाते मजा आ जाता। ये बात इसलिए जब मारे बाबा काश जनता की मुद्दों के लिए इतनी उग्रता हो जाती शायद जिससे बदलाव हो जाता, पर जनता के मुद्दों के लिए कोई इतना उग्र नहीं होता जी। तो उसमें नाराजी तो होगा जनता के लिए, इनके पास समय कहाँ है? हिंदू मुस्लिम से फुर्सत मिले तो जनता के कहा जनता के मुद्दों के लिए इतनी उग्रता हो जाती तो चाहे बदलाव हो जाता जी। कूड़े की तरह स्वामी प्रसाद मौर्य को जी, ये गौरव जी कौन सा बोल रहे हैं जी? ये महादेव बाबा बोल रहे हैं। अरे आप पाखंडियों को कहाँ बिठा लेते हैं आप? बस 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 यही बात है आपके अंदर। और अभी मैं बोल दूं, अभी मैं बोल दूं तो आपको तुरंत मिर्चे लग जाएंगे जी। अरे भाई मौलाना है भाई, भाई हमारे भाई हमारे डिबेट में इस तरह मर्यादित रहिए, मुद्दे पर रहिए, मर्यादित रहिए भाई, मर्यादा में रहिए, मर्यादा में रहिए, डिबेट खराब मत करिए, डिबेट खराब मत करिए। अभी मोहम्मद के बारे में कुछ बोल देंगे तो अभी भाई, 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 भाई हमारे हमारे अरे भाई मारे जी मारे जी मारे जी मारे जी मारे जी जय जी डाउन की जाए, डाउन की जाए जी। इसका क्या मैंने पाखंड किया? अमर भाई इस तरह इसका शब्द नहीं बोलेंगे। अरे तो इसका दंड पाएगा। मर्यादा को कैसे पाखंडी का? मर्यादा में रहिए, मर्यादा में रहिए। समाज का बात कर, जमान बाबा के बात कर। अमर भाई गलत बात है। अगर अगर आपको राम अमर भाई सुन लीजिए अमर भाई ऐसे नहीं, अमर भाई सुन लीजिए। आमिर भाई अगर आपको तथाकथित बोला गया था तो मैंने रामनिवास भाई को भी कहा आपको यहाँ पाखंडी शब्द नहीं बोलना चाहिए। एक मिनट, अगर मैंने आपके लिए उठाई है तो यहाँ पर महादेव बाबा को अगर आपने पाखंडी बोला है तो गलत बोला। गौरव भाई आपको इसके लिए माफी मांगी, मैं इसके लिए क्षमा बोलिए भाई, इसके लिए क्षमा मांगिए। और आपको डिबेट में नहीं बैठने दिया अमर भाई, अगर आपने गलती सारे सब समाज आपके खिलाफ हो जाएंगे, अभी आपको पता नहीं है जी। देखिए आपसे सारा अमर भाई समाज सारा नागा समाज आपके विरुद्ध चले गए, हो गया आपने हमको नहीं हो गया माने भाई समाज हो गया माने बाबा हो गया हो गया अमर भाई प्लीज माने बाबा प्लीज मैंने तुमको कुछ कहा है जी? गौरव भाई देखिए गौरव भाई एक बोले ऐसे ही लोग कहा ना ऐसे ही लोग जान बूझ करके इतने अच्छे डिबेट में ऐसे शब्दों का ला करके प्रयोग करते हैं जी कि डिबेट कहीं और चली जाती, मुद्दे पर ना बोल करके महाराज जी के ऊपर बोलना चालू कर दिया जी। ये चाहते हैं लोग, तभी कहा था ये चाहते हैं पत्रकार है। ये पत्रकार जो नहीं है। आपने कहा वो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अरे आपका मुद्दा आप आए हैं एक रिपोर्टर के रूप में एनालाइज कीजिए किसी चीज को, आप आ जाते हैं महाराज जी पर। गजेंद्र जी मैंने क्या गलत एनालाइज किया? अरे भाई क्या शब्दों का प्रयोग आपने किया? तुम्हारा क्या पाखंड किया बताओ जरा? अरे कौन सी पाखंड की बात आपने कर दिया? आपका क्या ले लिया महाराज जी ने? क्या ऐसा कर दिया महाराज जी आपके साथ में?
मैंने गजब की बात आप लोग करते हैं, यही मैं कहता हूँ। जी भी मुस्कुरा रहे हैं कि मुद्दा क्या है, विषय यही है कि मुद्दा कुछ और है, काम कुछ और है, जाना करा रहा है, काम कहीं और करना है, लेकिन आप लोग जानबूझ करके डिबेट को खराब करना है। आप लोगों को डिबेट को खराब करने के लिए बैठाया गया है, मैंने रखा धर्म जरूरी की। देखिए जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य बैठाए गए हैं सभा के अंदर, ठीक है वो तकिया बोलिए देखिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों को बहुत प्रखरता से हमेशा उठाती रही है, उठाती रहेगी, और कल भी आम आदमी पार्टी 25 जनवरी को धंधा कर रही को गार्डन के ऊपर बढ़ते हुए बिजली के रेट के लिए लगातार उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी हो रही है, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी संजय सिंह माने सांसद जी और हजारों कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के गार्डन के ऊपर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं महादेव बाबा को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि हमारे साथ धरना प्रदर्शन बैठे और जनता की आवाज उठाए उसकी, और महंगाई जो बढ़ती है उसके खिलाफ विरोध करें। अरे तकिए में किसको निमंत्रण दे रहा है आप भाई डिबेट में, किसको निमंत्रण दे रहा है? मैं महादेव बाबा को निमंत्रण दे रहा हूँ, सभी लोगों को निमंत्रण दे रहा हूँ। अच्छा सब आए साथ में, सबका मुद्दा ये बीजेपी के लोग भी साथ में आए, वालों को नहीं दे रहे क्या? सपा वालों को कल भी और आज भी दे रहे क्या? ये गौरव जी से पूछे, दोनों दिन मैं धरने पे बैठा रहा, हजरत के थाने में और आज जीपीओ पे बैठा था। पूछ लेता हूँ भाई, कल का प्रदर्शन है आप जाएंगे क्या? पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है महंगाई के खिलाफ, बिजली के महंगे होते रेट के खिलाफ। अरे आप महादेव बाबा बुला रहे हैं, सपा को बुला लीजिए। दूसरी बात ये जो बालेश्वर धाम बाबा जी की बात आई है, गौरव जी जो बालेश्वर धाम बाबा जी की बात आई, जिनका नाम श्री धर्मेंद्र शास्त्री जी धीरेन्द्र शास्त्री महाराज हैं, उनको जोशी मठ के महाराज ने चैलेंज किया कि आप आइए, अगर आप जादू दिखा सकते हैं तो जोशी मठ में दरारें जो आ गई, आज भूकंप आया है उसके बाद दरारें बड़ी है, और अगर आप जादू मंत्र जानते हैं इतना आप जानते हैं तो उन दरारों को भर दीजिए। सबसे बड़ी बात एक बात बता दूं, दूसरी उन्होंने अपनी खुद की बेइज्जती की है, किस बात के शंकराचार्य अगर दरारें ठीक नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरी बात वो कांग्रेस के पिटलग्गू हैं और धर्म की राजनीति वो भी करने लगे हैं। ये भी साइंस है, इतना की ये साइंस के जरिए माइक्रोसिस के जरिए मन की बात जान ली जाती है, जादू नहीं है। रामनिवास भाई धमकाने जा रहा है, 20 रुपए बहुत पहले, ठीक है तभी भाई बहुत पहले इस तरह के जादू करते थे जनता को सम्मोहित करने के लिए, जनता को अपने पक्ष में करने के लिए। भाई धन्ना होने जा रहा आपके खिलाफ भाई सरकार में। आप अभी तकी जी कह रहे थे कि वहाँ की दरारें ठीक कर दें, मैं अगर इतना कह दूं कि जो सड़क किनारे तमाम मजारे पड़ी हैं, जिसको मैं बता रहा हूँ, क्या उन पर टिप्पणी कर सकते हैं क्या? अच्छा नहीं मैं सबसे कह रहा हूँ, नहीं नहीं क्या उन पर टिप्पणी कर सकते हैं? जो लोग जादू मंत्र झाड़ते भाई सड़क किनारे तमाम मजारे पड़ी है मुर्दों की, उनको पूजा जाता है, क्या कुछ भला कर सकती हूँ? सारी मंदिर मस्जिद सब बंद थे, नहीं नहीं मैं पूछ रहा हूँ भला कर सकती कुछ क्या? और साइंस ने टेक्नोलॉजी ने विज्ञान ने, नहीं नहीं ये जो मजारे सड़क किनारे जगह जगह रोडों पे पड़ी है ये भला कर सकते हैं क्या? मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। वो तो बिजली की मुद्दा था, मैंने उनकी बात नहीं, उन्होंने कहा कि जोशी मठ की दरारें, अरे भाई एक धार्मिक व्यक्ति है, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे हैं, उस पर हम आपको टिप्पणी करने वाले होते हैं। सर मैं जोशी मठ के जो वहाँ महाराज उन्होंने बात करी, उन्होंने उनको चैलेंज किया है, अगर बहुत बड़े वो योगाचार्य है, बहुत बड़े वो है, तो आके जोशी मठ की दरारों को ठीक करें। चले ठीक है, ये तो उनका बयान है, मजारे हैं वो भी, उनका भी दायित्व बनता है जाके वहां ठीक कर करा रहे हैं। हमारा तो ट्रैक उतर जाता है भाई, भाई भाई यहाँ पर तकी भाई कह रहे थे कि हम लोग धरना करने जा रहे हैं और महादेव बाबा को न्योता दिया है और आमिर भाई को न्योता दिया है, आपको भी न्योता देने की बात कह रहे हैं कि वो भी आ जाइए धरने करने के लिए बिजली की बढ़ती दरों के खिलाफ। जी कल का धरना इनका। जी देखिए कोई भी, जैसा कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, कोई भी विपक्ष की का काम करता है तो हम उसको सबको बधाई देते हैं और धन्यवाद करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी के अपने कार्यक्रम चल रहे हैं, निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और दिशा निर्देशन में आगे बढ़ने का काम कर रही है। हमारी पार्टी के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, जनता के मुद्दों को हम लोग सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम सभी को बधाई देने का काम करते हैं जो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है ठीक है। अमर साबरी भाई, भाई जिस तरह आपने बयान दिया था गलत बयान देता हूँ, निश्चित रूप से इस बयान की भर्त्सना करता हूँ, जब रामनवास भाई ने आपको तथाकथित बोला तब भी मैंने इस बात की गलत कहा था, और निश्चित रूप से महादेव बाबा को आपने पाखंडी बोला है, लेकिन जिस तरह भाई आपका मैंने एक बात बताइए, आपका पैसा चुराया है, आपका क्या क्या सामान लिया है, क्या किया है, आपने पाखंडी कैसे किया? आप क्षमा मांगिए, हम सुन नहीं सकते, क्षमा मांगना पड़ेगा, आप टीवी डिबेट में बोलेंगे तभी। अरे भाई
जब आप पहले क्षमा मांग अमर भाई बोल आपने कैसे अमर भाई क्षमा मांग लीजिए भाई पाखंडी बोल दिया आप हमने किसी को गाली नहीं गौरव जी आपको गाली नहीं दी है और ये कितने बड़े ज्ञानी है इससे पहले भी डिबेट फिर वही बात है फिर वही बात है फिर वही बात है अरे सॉरी आप भाई माफी मांग लीजिए भाई पाखंडी क्या ले रखे हैं ये हमारा गुरु बताएगा जी हमें भाई आप यहाँ पाखंडी बोला है तो कहीं नहीं गलत उन्होंने बोला है तो इसके लिए आप गौरव जी देखिए पाखंडियों को पाखंडी नहीं कहेंगे तो क्या कहिए बड़ी अच्छा, पाखंडी आप ऐसा है सुनिए गौरव जी इनका तुरंत लेकर बंद कीजिए वो अच्छा एक बार हुआ दो बार हुआ लेकर के क्या पाखंड किया इन्होंने जी क्या पाखंड किया इन्होंने क्या पाखंड किया बोलो तमाशा बना दिया क्या बढ़ गया यहाँ पर बोलने का मौका दिया जाता है लेकर के इन लोगों को ये दिया जाता है यहाँ पर पाखंड की बात करते हैं लोग अरे खुद ही पाखंड है तुम्हारे यहाँ मुर्दों को लेकर के पूछते हो तुम लोग मुर्दों को पूछने वाला लेकर के बात करेगा यहाँ पर मुर्दों को पूछने वाला बात करेगा पाखंड का भाई ये पाखंडी तो लेकर खुद ही हो तुम लोग भाई कम से कम मर्यादा में रहिए मर्यादा टिप्पणी करिए अरे लेकर के दिमाग खराब करते हो आप लोग ऊपर से यहाँ पर अभी उत्तेजना आपने देखी नहीं है क्या देखी हो तुम लोग यहाँ पर समाज को पूछने वाले मुर्दों को पूछने वाले खुद ही आप लोग हो अच्छा मुर्दों को पूछने वाला क्या बात करेगा जो मुर्दा खुद ही पूछता है दिन भर वहीं पे लेटे रहते हो अच्छा मुर्दों को पूछने वाला क्या बात करेगा भाई पत्रकार के रूप में आपकी भाई क्या मुद्दे पे मुद्दे पर रहिए पत्रकार पूजा पाठ भी चलेगा भाई आप कौन सा पत्रकार है क्या पूजा पाठ भी चलेगा भाई अजीब बात होती है मार गया मार गया विषय है सबसे सरल मुद्दा धर्म चुका है कि सबसे सरल मुद्दा धर्म चुका मैं समझ गया चर्चा कहां करनी है किस बिंदु पे चर्चा करनी है भाई मैं समझ चुका हूं बिंदु पर उस बिंदु पर कुछ नहीं बोलेंगे राजनीति सबसे वीरेंद्र स्वामी पर बात हो रही है मैं देख रहा हूं वीरेंद्र शास्त्री पे बात हो रही है मौर्य जी पे बात हो रही है उस पे बात कीजिए मुद्दे पर बात नहीं करना है समस्या यह है कि कुछ लोग आते हैं डिबेट को डिनल करने के लिए डिबेट कैसे कैसे अपने अपने पटरी से हटे इसके लिए कुछ लोग आते हैं डिबेट न हो समाज मैंने बुलाया भाई समाज समाज जब किसी बात को सुने नहीं नहीं आप ही बुलाए लेकिन अगर मैं ही आया हूँ और मैं इस मुद्दे से हट करके कोई बात कर अगर मैं करूँ तो मतलब मेरा हुआ कि मैं वास्तविक रूप में आपके डिबेट का पार्ट के लायक नहीं हूँ मुद्दा जो है उस मुद्दे पर बात हो रही है अब वहां आगे उन्होंने कि भाई अगर महाराज जी ने कहा मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा ना जी महाराज जी जानते हैं उस बात को अच्छा कि संसार में दो तरह की एनर्जी महाराज जी कुछ बोलिए महाराज जी महाराज जी बोला है बोले बोले और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ देखिए आमिर जी ने ये अपनी मर्यादा को तोड़कर अच्छा। जैसे बागेश्वर धाम के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है ये ऐसे नहीं बोल रहे हैं इनके पीछे बहुत बड़ी षड्यंत्र की लॉबी है अच्छा, लॉबी और ये संतों को टारगेट कर रहे हैं अच्छा। आज हमें देखा है लेकिन आमिर महादेव नाम है और आदिशक्ति जगत जननी का हमारे ऊपर आशीर्वाद है और तुम्हें इस जो तुमने बोला है इसका दंड तुम्हें 5 दिन के अंदर मिल जाएगा जी। और तुम इसका दंड 5 दिन के अंदर पा जाओगे नहीं पाते 5 दिन के अंदर तुम पा जाओगे तुम 5 दिन के अंदर इसका दंड पा जाओगे जब भी तुम्हें इसका इसका दंड तुम्हें देगी क्योंकि तुमने जो मर्यादा का उल्लंघन किया आमिर भाई आमिर भाई और गौरव से आशीर्वाद आमिर भाई माफी मांग लीजिए अगर इस व्यक्ति को अपने चैनल पे बुलाया मैं कभी नहीं आऊंगा मानव जी मारे प्लीज आमिर भाई आपको आमिर भाई मुर्दों को नहीं पूछते हम मुर्दों को नहीं पूछते ध्यान से दिखा दिए दिमाग से अपने फिर वही बात है आमिर भाई नहीं मानो ये मजाक किसने बनाया मानव जी मारे प्लीज हो गया आमिर भाई अगर आपने गलत कहा है तो इसके लिए आपको यहाँ बोलना चाहिए और कहीं ना कहीं आपने यहाँ पर उनको पाखंडी बोला है ये शब्दावली संतों के लिए नहीं है और निश्चित रूप से किसी को यहाँ पर पर्सनल टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है डिबेट पर अगर आपने बोला तो इसके लिए आपको निश्चित रूप से क्षमा मांगनी चाहिए और जब आपको तनाकरी बोला गया था तब भी मैंने इसके लिए आपको कथा जब आपको रामनिवास भाई ने तनाकरी बोला था तब भी मैंने आपके लिए कहा गया था आपत्ति की गई है आपत्ति की गई है नहीं की गई मैंने इस बार को रामनिवास भाई को टोका था तो कहीं ना कहीं पहले कहा था भाई कथा कथित है अच्छा ये हमेशा कथा कथित ही पत्रकार है ये तो पत्रकार खाली चोला पहने हुए आप तो फ्रॉड है चलो ठीक है हो गया आप छलावा है जी आपसे बड़ा कोई धूर्त नहीं है दुष्ट नहीं है जी अभी हमें ये शब्द है एक बार कहूंगा तो पूरा कौम आपका वो चलो ठीक हो गया आप सभी मेरा स्वागत में जुड़ने के बाबत पत्रकार तो यहां पर चर्चा थी हो गया भाई हो गया पत्रकार क्या ये बताइए हो गया आप एक हो गया विचार हैं हो गया भाई हो गया का विचार होता ऐसे नहीं होगा ऐसे ये विचार ऐसे होता समय पूरा होगा समय पूरा हो गया मतलब किसी चीज समय पूरा हो गया मर्यादा होनी चाहिए मर्यादा में रहिए और काम करते रहिए मर्यादा जो होता है विलुप्त हो जाता है ठीक है
ठीक है, आप सभी मेहमानों से कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो यहाँ चर्चा थी कि धर्म जरूरी है या मुद्दे, धर्म अपनी व्यवस्था है, धर्म पर आप सबको जोड़ना है, धर्म पर काम करना है, धर्म आस्था श्रद्धा और भक्ति के बना हुआ है, धर्म राजनीति ने नहीं बना हुआ है, राजनीति करना है मुद्दों पर करिए। और जिस रूप से हमारे देश में हम लगातार देख रहे हैं धार्मिक ग्रंथों पर, भगवानों पर, ईश्वर पर, खुदा पर, और जो सभी जो धर्म के जो जिनको लोग मानते हैं उन पर जिस तरह से कुटाराघात चल रहा है, कहीं ना कहीं ये बंद होना चाहिए। हमारा संविधान हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, पर कहीं ना कहीं ये अभिव्यक्ति आपको सीमाओं के हिसाब से करनी चाहिए। अभिव्यक्ति धर्म को लेकर नहीं, अभिव्यक्ति मर्यादाओं को लेकर नहीं, अभिव्यक्ति करनी है तो वास्तव में जनता के मुद्दों को लेकर ही है। अगर आप चाहते हैं देश में बदलाव हो, अगर आप चाहते हैं भारत विश्वगुरु बने, या अगर आप चाहते हैं कि भारत आने वाले समय में विकसित देश बन सके और भारत की जो परचम है, विजय पताका है, वो पूरे विश्व में लहराए, तो उसके लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे देश की पृष्ठभूमि रही है कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उस पृष्ठभूमि को लागू रखिए, उसके साथ सभी धर्मों का सम्मान करिए। धर्म श्रद्धा आस्था भक्ति के लिए बना हुआ है, ना कि राजनीति के लिए। इसलिए राजनीति करना है तो मुद्दों पर करिए, और वास्तव में संघर्ष करना है तो जनता के लिए करिए। जनता का जनाधार तभी मिलेगा जब राजनीति मुद्दों के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए होगी। यहाँ पर मुद्दे तमाम तरह के होते हैं, चाहे धार्मिक हो और चाहे आर्थिक हो और चाहे धरातलीय हो। मुद्दे अगर चाहिए तो करिए जनता के, तभी बदलाव होगा और तभी पृष्ठभूमि बदलेगी, नहीं तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजनीति से